हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आइए देखते हैं चैप्टर 10 की पहली हेडिंग, वर्ग एक के तत्व के बारे में, क्षार धातुएं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहली हेडिंग, वर्ग एक के तत्व अर्थात क्षार धातुओं के बारे में। ध्यान समझिएगा, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। क्षार धातुओं के रासायनिक तथा भौतिक गुणों में परमाणु क्रमांक के साथ एक नियमित प्रवृत्ति पाई जाती है। क्षार धातुओं के रासायनिक तथा भौतिक गुणों में परमाणु क्रमांक में परिवर्तन के साथ एक नियमित प्रवृत्ति पाई जाती है। इन तत्वों के परमाणवीय, भौतिक तथा रासायनिक गुणों की विवेचना यहाँ किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। सभी क्षार धातुओं के तत्वों में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तथा अंतिम दूसरे कोष के उत्कृष्ट गैस की संरचना होती है। सभी क्षार धातुओं के तत्वों में एक संयोजी कोष होता है, जो बाहरी कोष होता है उसको संयोजी कोष कहा जाता है, और वह संयोजी कोष एक संयोजी होता है अर्थात बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह सभी क्षार धातुओं पर लागू हो रहा है। आप देखें ध्यान से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये आपके वर्ग एक के तत्व हैं, क्षार धातु। सबके बाहरी कोष जो है संयोजी कोष है, सब में एक संयोजी है, सबके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं लिथियम में 2s1, सोडियम में 3s1, पोटेशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1, सीजियम में देखें 6s1 और फ्रेंसियम में 7s1। तो सब जो है एक संयोजी इलेक्ट्रॉन संरचना सबके पास है। और अंतिम दूसरा कोष, ठीक है, इससे पिछला वाला कोष जो है वह उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त किया हुआ है, भरा हुआ संरचना है, ठीक है। जैसे लिथियम का भरा हुआ संरचना क्या है, 1s2 है अर्थात हीलियम है, सोडियम का नियान का स्ट्रक्चर है 10 है, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और लास्ट में फ्रेंसियम का रेडान की भरी हुई संरचना है। तो आप देख रहे हैं कि सभी क्षार धातुओं के तत्वों में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और अंतिम दूसरे कोष की उत्कृष्ट गैस संरचना होती है। इन तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित यस इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागने के कारण ये अत्यधिक धन विद्युतीय तत्व एक संयोजी आयन देते हैं, ठीक है। तो इनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, यस इलेक्ट्रॉन जो है, उनको ये आसानी से निकाल देते हैं, त्याग देते हैं, जिसके कारण ये अत्यधिक धन विद्युत तत्व एक संयोजी आयन M प्लस देते हैं, जैसे कि Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Fr प्लस। अतः ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये अपने बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागते हैं और प्लस आयन बदल जाते हैं, एक संयोजी धनायन बदल जाते हैं। अतः यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, किसी न किसी के साथ जुड़े हुए अवस्था में पाए जाते हैं। यह था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या के बारे में। क्षार धातुओं के परमाणुओं का आकार आवर्त सारणी के किसी विशेष आवर्त में सर्वाधिक होता है। क्षार धातुओं के परमाणुओं का आकार जो है वह आवर्त सारणी के किसी विशेष आवर्त में सर्वाधिक होता है। किसी भी आवर्त में लेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो किसी भी आवर्त में सर्वाधिक इसका परमाणुओं का आकार होता है। क्षार धातुओं के परमाणुओं का आकार आवर्त सारणी के किसी विशेष आवर्त में सर्वाधिक होता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता जाता है।
परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ता जाता है। एक संयोजी आयन M प्लस का आकार उनके जनक परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। जो M है और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो M प्लस हो जाता है, तो M के आकार की तुलना में M प्लस का आकार छोटा होता है। ठीक है, एक संयोजी आयन का आकार उसके जनक परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है, छोटा होता है। क्षार धातुओं की परमाणु तथा आयनी त्रिज्या, क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या तथा आयनी त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। क्षार धातुओं की परमाणु तथा आयनी त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे के जाने पर बढ़ती जाती है, अर्थात इसका आकार लिथियम से सीजियम तक बढ़ता जाता है। ठीक है, तो क्षार धातुओं की परमाणु तथा आयनी त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, अर्थात इसका आकार लिथियम से सीजियम तक बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, नए नए कोश बनने लगते हैं, नए नए कोश बनने से नाभिक की पकड़ जो है बाहरी कोश पर कमजोर होती जाती है, जिससे आकार इसका बढ़ता जाता है। अगला है आपका आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी समझे ध्यान से, आयनन एंथैल्पी होता क्या है क्षार धातुओं का? क्षार धातुओं के आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। क्षार धातुओं के आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। आयनन एंथैल्पी मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी खर्च होगी उसे आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि क्षार धातुएं आसानी से अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, अतः इनके लिए आयनन एंथैल्पी कम होता है। क्षार धातुओं के आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है, यह वर्ग में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर कम होता जाता है। ठीक है, वर्ग में लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो आयनन एंथैल्पी का मान जो है कम होता जाता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में बढ़ते हुए परमाणु आकार का प्रभाव अधिक हो जाता है। बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में बढ़ते हुए परमाणु आकार का प्रभाव अधिक हो जाता है, और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश द्वारा भली भांति परिच्छेद होते हैं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिकीय आवेश द्वारा भली भांति परिच्छेद होते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में बढ़ते हुए परमाणु आकार का प्रभाव अधिक हो जाता है। जिस तरह से नाभिकीय आवेश बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, उसकी तुलना में परमाणु आकार जो है ज़्यादा वृद्धि हो जाती है उसमें, तो और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय आवेश द्वारा भली भांति परिच्छित हो जाता है। ठीक है, जिससे जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्षार धातुओं के आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है, वर्ग में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में बढ़ते हुए परमाणु आकार का प्रभाव अधिक होता जाता है, और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश द्वारा भलीभांति परिच्छित होता है। तो अब हम देखते हैं अगला जलयोजन एंथैल्पी के बारे में। जलयोजन एंथैल्पी क्या होता है, ध्यान समझें। क्षार धातुओं की जलयोजन एंथैल्पी आयनिक आकार के बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे जैसे आयनिक आकार बढ़ता है क्षार धातुओं की जलयोजन एंथैल्पी जो है घटती जाती है। जैसे देखें लिथियम Li प्लस ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन K प्लस ग्रेटर देन Rb प्लस ग्रेटर देन Cs प्लस। सबसे अधिक जलयोजन एंथैल्पी जो है लिथियम आयन की है, उससे कम सोडियम आयन की, उससे कम पोटेशियम आयन की, उससे कम रुबिडियम आयन की, सबसे कम सीजियम आयन की होती है। तो क्षार धातुओं की जलयोजन एंथैल्पी आयनिक आकार के बढ़ने पर घटती जाती है। ठीक है, सबसे अधिक
बड़ा आकार सीजियम का है, अतः इसकी सबसे कम जलयोजन एंथैल्पी है। सबसे छोटा आकार जो है लिथियम का है, अतः जलयोजन एंथैल्पी सबसे कम लिथियम का है। लिथियम के जलयोजन एंथैल्पी की मात्रा अधिकतम होती है क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होता है। इसलिए लिथियम के अधिकांश लवण जैसे कि लिथियम क्लोराइड LiCl2H2O जलयोजित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्षार धातुओं की जलयोजन एंथैल्पी आयनिक आकार के बढ़ने के साथ घटता जाता है और सबसे अधिक जलयोजन एंथैल्पी लिथियम क्लोराइड की होती है। अगला देखते हैं भौतिक गुण के बारे में, क्षार धातुओं के भौतिक गुण के बारे में ध्यान समझिएगा। क्षार धातुएं बहुत ही नरम, हल्की तथा चांदी के समान श्वेत होती हैं। क्षार धातुएं जो हैं बहुत नरम होती हैं, हल्की होती हैं और चांदी के समान सफ़ेद होती हैं। सबसे बड़ा आकार होने के कारण इनका घनत्व कम होता है। क्षार धातुओं का आकार बड़ा होता है, इनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उनमें काफ़ी दूरियां होती हैं, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। परमाणु दूर दूर होते हैं इसलिए घनत्व कम होता है। बड़ा आकार होने के कारण इनका घनत्व कम होता है, जो लिथियम से सीजियम की ओर नीचे जाने पर कम होता जाता है। यद्यपि पोटेशियम धातु सोडियम की तुलना में हल्का होता है, पोटेशियम धातु जो है कि वह अन्य की तुलना में हल्का होता है। तो क्षार धातुएं बहुत ही नरम, हल्की तथा चांदी के समान श्वेत होती हैं। बड़ा आकार होने के कारण इनका घनत्व तो कम होता है, जो लिथियम से सीजियम की ओर नीचे जाने पर कम होता जाता है। लिथियम से सीजियम की ओर नीचे जाने पर कम होता जाता है, यद्यपि पोटेशियम धातु सोडियम की तुलना में हल्का होता है। क्षार धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्षार धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। जो इन धातुओं के मात्र एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके बीच दुर्बल धात्विक बंध को दर्शाते हैं। क्षार धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, जो इन धातुओं के मात्र एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके बीच दुर्बल धात्विक बंध को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में दुर्बल धात्विक बंध है एक संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण, अतः इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्षार धातुएं तथा उनके लवण, क्षार धातुएं तथा इनके लवण जो हैं आक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। क्षार धातुएं तथा इनके लवण आक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि ज्वाला की ऊष्मा इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित कर देती है। ज्वाला की ऊष्मा जो है इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित कर देती है। जब ये इलेक्ट्रॉन पुनः अपने तलस्थ अवस्था में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जन के कारण ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जन के कारण ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्षार धातुएं और इनके लवण जो है आक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं, क्योंकि ज्वाला की ऊष्मा इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित कर देती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः अपने तलस्थ अवस्था में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण ज्वाला को रंग प्रदान होता है। आक्सीकारक ज्वाला को मिले रंग इस प्रकार हैं, जैसे आप देख रहे हैं रंग जो है लैम्डा
तरंगदैर्ध्य नैनोमीटर में। लिथियम का कलर किरमिजी लाल होता है, इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है 670.8 नैनोमीटर होता है। सोडियम का कलर जो है ज्वाला का पीला है, 589.2 नैनोमीटर है। पोटेशियम बैगनी कलर है, 766.5 नैनोमीटर। रुबिडियम लाल बैगनी 780 नैनोमीटर। और सीजियम जो है आपका नीला कलर है, 455.5 नैनोमीटर है तरंगदैर्ध्य का मान। तो आप देख रहे हैं लिथियम टू सीजियम जो है अलग अलग कलर है सबका, और सबके तरंगदैर्ध्य का मान अलग अलग है, और ये तरंगदैर्ध्य जो है दृश्य क्षेत्र में आते हैं, अतः इससे रंग प्रदान होता है। अतः क्षार धातुओं को इनके ज्वाला परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। क्षार धातुओं को इनके ज्वाला परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है तथा इनकी सांद्रता का निर्धारण ज्वाला प्रकाश मापी अथवा परमाणवी अवशोषण स्पेक्ट्रोमिति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इनकी सांद्रता का मापन जो है ज्वाला प्रकाश मापी फ्लेम फोटोमेट्री अथवा परमाणवी अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है इनके सांद्रता का मापन। और इनकी पहचान इनके कलर के द्वारा की जा सकती है, जब इनको जलाते हैं तो जो कलर उत्पन्न होता है उस आधार पर इनकी पहचान कर लेते हैं। और इनकी सांद्रता का निर्धारण जो है ज्वाला प्रकाश मापी अथवा परमाणवी अवशोषण स्पेक्ट्रोमिति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इन तत्वों को जब प्रकाश द्वारा विकिरित किया जाता है, इन तत्वों को जब प्रकाश के द्वारा विकिरित किया जाता है तब प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। इन तत्वों को जब प्रकाश के द्वारा विकिरित किया जाएगा तब ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। इसी गुण के कारण सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इनको प्रकाश के द्वारा विकृत किया जाएगा तब ये प्रकाश अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेंगे। इसी गुण के कारण सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके क्षार धातुओं के भौतिक गुण के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा कि क्षार धातुएं बहुत ही नरम, हल्की और चांदी के समान श्वेत होती हैं। बड़ा आकार होने के कारण इनका घनत्व तो कम होता है, जो लिथियम से सीजियम की ओर नीचे की ओर जाने पर कम होता जाता है। यद्यपि पोटेशियम धातु सोडियम की तुलना में हल्का होता है, क्षार धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, जो इन धातुओं के मात्र एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके बीच दुर्बल धात्विक बंध को दर्शाते हैं। क्षार धातुएं तथा इनके लवण आक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि ज्वाला की ऊष्मा इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित कर देती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पुनः अपने तलस्थ अवस्था में आते हैं तो स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में विकिरण का उत्सर्जन के कारण ज्वाला को कलर प्रदान करते हैं। ठीक है, आक्सीकारक ज्वाला को मिले रंग के बारे में आपको बताया गया कि लिथियम जो है किरमिजी लाल, सोडियम पीला, पोटेशियम बैगनी, रुबिडियम लाल बैगनी, सीजियम नीला कलर दिखाता है। अतः क्षार धातुओं को इनके ज्वाला परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। इनकी सांद्रता का निर्धारण ज्वाला प्रकाश मापी अथवा परमाणवी अवशोषण स्पेक्ट्रोमिति के द्वारा किया जा सकता है। इन तत्वों को जब प्रकाश द्वारा विकृत किया जाता है तब प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। इसी गुण के कारण सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका वर्ग एक के क्षार धातुएं के बारे में, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु और आयनिक त्रिज्या, आयन एन्थैल्पी, जल विजन एन्थैल्पी और भौतिक गुण के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर रासायनिक गुण का चर्चा करेंगे। थैंक यू।